ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयम् भक्तिरसाप्तये निशम। हरि ओम। आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है एंड वी ऑल हैव गैदर्ड हियर एंड वी आर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान श्री कृष्ण। कैन यू ऑल हियर? सम से यस, सम से नो। सो व्हेन वी सिंग भगवान ग्लोरीज, तो भगवान श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयम् भक्तिरसाप्तये अनिशम। वी बाउ डाउन टू भगवान श्री कृष्ण अनिशम ऑलवेज। कौन है? श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे, सच्चिदानंद स्वरूप, सुखाय अभिवर्षणे एंड ही शावर्स आर सुखम हैप्पीनेस। अभी तो आप देख रहे हैं बहुत बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। भगवान सुख की वर्षा करते रहते हैं, सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे एंड ही इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन सस्टेनेंस डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सृष्टि स्थिति संहार करने वाले भगवान हैं। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो बोले क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि व्यर्थ में कुछ काम करते नहीं है। नमस्कार भी करेंगे क्यों करते हैं? भगवान वाज सरप्राइज कि भाई दिस पर्सन कमिंग डूइंग नमस्कार। मराठी लैंग्वेज में देयर इज अ सेइंग, चमत्कारा शिवाय नमस्कार मिळत नाही, अनलेस यू शो सम मिरेकल यू डोंट गेट नमस्कार। सो भगवान ऑल्सो इज आस्किंग व्हाई आर यू डूइंग नमस्कार। सो द आंसर इज भक्ति रसाप्तये, भक्ति का रस अमृत पान करने के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा श्लोक बहुत है, सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, नहीं सुना? श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे, और अनंत सुख की वर्षा करने वाले। विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयम् भक्तिरसाप्तये निशम। मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो बहुतों को लगता है कि मैं कुछ बोलता हूं तो मैंने ही लिखा होगा ऐसे, पर मैं बताऊंगा नहीं कहां पे है।
आजकल तो आपके गूगल गुरु है, आप ढूंढो काम। अच्छा, ऐसे जो भगवान हैं वो जन्म लेते हैं। क्या भगवान जन्म लेते हैं? नहीं, अवतार होता है उनका। अवतार, अवतार माने वो प्रकट होते हैं। ही जस्ट मैनिफेस्ट। उनको कोई जरूरत है क्या? बोले नहीं, अजन्मा अविनाशी है, लेकिन भगवान यहां आते हैं अवतार। देयर नो कंपल्शन। सी इन आवर केस, हमारा जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। बिकॉज वी आर बॉर्न बिकॉज ऑफ कंपल्शन ऑफ आवर कर्मज, देयर नो चॉइस। भगवान कैसे है? आत्म माया, इट इज ओन स्वीट विल। But see, we people are too much logicians, you know. So we ask Bhagwan, why do you take avatar? So Bhagwan, who are you to ask me? I want to take, so I say, no, no, you see, there should be some reason. So Bhagwan gives reason, you know. Aapne Gita mein padhte hain, dharma ki hani, adharma ka utkarsh, sadhuon ki raksha, dushton ke nirdalan ke liye, धर्म संस्थापना के लिए मैं आता हूं, है ना? बोला वो करेक्ट है, ठीक है। तो क्या अब तक तो प्रतीक्षा करते रहेंगे? विल यू गो ऑन वेटिंग 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 वेटिंग? नो। इफ एवन इंडिविजुअल ऑल्सो ही रियली प्रेस टू भगवान, भगवान कैन कम फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। बट टोटैलिटी करेंगे तो आएगा। नाउ क्या हुआ कि सम पीपल आस्क मी, आई डोंट नो व्हाई दे हैव द हैबिट ऑफ आस्किंग। सी, आई हैव सीन व्हेन दे सी अ डॉक्टर, दे रिमेंबर व्हिच डिसीज दे नेवर हैड आल्सो। सो व्हेन दे सी स्वामी, सम क्वेश्चन, भगवान का अवतार क्यों होता है? मैंने कहा उनको तो जाने, तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है बताओ तुम। व्हाई आर यू बॉर्न, यू नो, दैट इज मोर पर्टिनेंट। तुम आए हो, तुमको क्या करना है, जरा सोचो। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो हम जो आए हैं, सो वी हैव टू मीट दैट भगवान, become one with him. Say the rivers originate from different places but merges in the ocean. हमको भी वहीं पे भगवान से ही मिल जाना। अब कैसे करेंगे वो? हाँ, उसका कोई सरल उपाय कोई है क्या? हाँ, सरल उपाय तो वही, तो अभी हम गाते रहते हैं वही सरल उपाय हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गुण गाओ मैं तुम्हारे मुरारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, दिन रात हे गिरधारी, दिन रात हे गिरधारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, गुण गाऊं मैं पद प्रेम जीजो जाऊं बलिहारी, पद प्रेम जीजो जाऊं बलिहारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुरारी, गुण गाऊं मैं, गुण गाऊं मैं, मैं।
हमारा जन्म हुआ तो अजन्मा भगवान के पास पहुंचने के लिए, और उसका तरीका है गुण गाओ। भगवान के गुण गाने से वाणी शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है और परमात्मा का ज्ञान होता है और हम पहुंच जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना यही है, सुनो दीन बंधो विनती है मेरी, पद प्रेम दीजो जाऊं बलिहार। आप तो हमें आपके चरणों का प्रेम दे दीजिए। बस देखो लोग कोई होते भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अरे भगवान से नहीं मांगोगे तो कैसे, शैतान से मांगोगे, पड़ोसी से मांगोगे? हाँ, ध्यान में रखना, कुछ भी मांगना हो तो भगवान से ही मांगना। आपको धन चाहिए हो, संपत्ति चाहिए हो, विरक्ति चाहिए हो, ज्ञान चाहिए हो, भक्ति चाहिए हो, भगवान से मांगना। दुनिया से कुछ नहीं मांगना, भगवान से मांगना। और सबसे बढ़िया चीज तो भगवत प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम मिल जाए तो फिर आगे क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ, तो हम इंडिविजुअली भी जो है ना भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी। ये तो जो समष्टि सब लोग करेंगे तब भगवान आएंगे, तो पता नहीं हम तब तक रहेंगे फिर कि नहीं रहेंगे, क्या होगा। हाँ, इसलिए अकेले भी करो ना। भगवान ने कहा आई एम देर ऑलरेडी देर, यू नो एवरीवेयर आई एम देर, सर्वव्यापी आई एम देर इन योर आत्मा ऑल्सो, एंड आई होंगे बाबा होंगे भाई। होंगे हरे तुम जन जन मन के निवासी, हरे तुम हरे तुम जन जन मन के निवासी, हरे तुम फिर भी अखिया दर सती प्यासी, फिर भी अखिया दर सती प्यासी, फिर हरि तुम जन जन मन के निवासी, प्रभु तुम आकर दर्श दिखा कर, प्रभु तुम प्रभु तुम आकर दर्श दिखा कर, जीवन कर दो आनंद राशि, जीवन कर दो आनंद राशि, हरि तुम जन जन मन के निवासी, फिर भी अखिया दर्श की प्यासी, फिर भी हरि तुम जन जन
के निवासी आय हरे तुम जन जन हरे तुम जन जन हरे तुम जन जन मन के श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आपने एक गीत सुना होगा ना, पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। ये जो दर्शन की प्यास है, तो आप आत्म रूप से सब में है मालूम है, सर्वव्यापी है वो भी मालूम है, लेकिन हम तो आपको देखना चाहते हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं। हाँ, वी वांट टू प्ले विथ यू। तो ऐसी जो परमात्मा है, जब ऐसा अवतार धारण करते ना, तो बड़े सुंदर लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। एक सरोवर होता है ना, लेक, अपने आप में बहुत सुंदर होता है, होता है, लेकिन उसमें कहीं कमल खिल जाए तो कमल लोटस लोटस ब्लूम्स देयर इन दैट लेक, दैट लेक अपीयर्स मोर ब्यूटिफुल। इन द सेम वे निर्गुण ब्रह्म इज वंडरफुल, बट वेन ही बिकम सगुण, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ऐसे जब बन जाते हैं कमल नयन राम कमल चरण राम का, तो कितना अच्छा लगता है। निर्गुण का आप ध्यान कर सकते हो, समाधि कर सकते हो, है ना, वो आनंद होता है, स्वरूप आनंद है, लेकिन ये भगवान से भावानंद होता है। हाँ, उसकी पूजा करो, अर्चना करो, नमस्कार करो, फिर झगड़ा भी करो। और ये भगवान, नो आई टेल यू, ही लव्स हिमसेल्फ टू मच एंड ही लव्स हिज नेम आल्सो वेरी मच। हाँ, वो कोई भी उनको कैसे भी याद करता है ना, वो कहता है लेकिन मुझे याद कर रहा है ना। रावण ने, शिशुपाल ने शत्रु भाव से याद किया, सो व्हाट, और कौन से तो भय के कारण किया, गोपियों ने प्यार से किया, किसे सगे संबंध से किया। देखो, आप किसी सामान्य व्यक्ति से कोई शत्रुता करते हो क्या? हाँ, किसी को महत्व का समझते हो तभी तो करते हो कि नहीं? तो भगवान ये तो मुझे बड़ा मानता है। हाँ, तो उसका तो उद्धार करना ही चाहिए। तो जो प्यार करते उनका क्या? और दोज हु इवन हेट हिम एंड इनिमिकल टुवर्ड्स हिम, ही लिबरेट देम। बट व्हाट अबाउट यशोदा जी, देवकी, नंद बाबा, वसुदेव जी एंड ऑल दोज काउज एंड गोप गोपीज, व्हाट अबाउट देम? So he said, he gives moksha even to these wicked people also. But of such devotees, he becomes servant. Aham bhakta paradhinaha, Bhagavan said. Aise Bhagavan kahan milenge? तो भगवान वॉट एवर अवतार ही टेक्स इज मेंट फॉर सर्वहितावतार, फॉर द वेलफेयर वेलबींग ऑफ ऑल, इंक्लूडिंग राक्षसाज असुरज। हाँ, भगवान किल से दे आर नॉट सेंट टू हेल और एनीथिंग लाइक दैट। चल जा स्वर्ग में जा। उस स्वर्ग वाले की ये कहां से आ गया भाई?
तो भगवान का ठप्पा लगा हुआ है और कोई कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे प्यारे प्यारे भगवान हैं। अब क्या हुआ, सबने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपके बारे में कहा जाता है देश काल वस्तु कारण कारण के परे परे आप रहते हो, इस पे कोई मजा नहीं है। तो भगवान ने अच्छा मैं पर्टिकुलर देश में आ जाऊंगा, पर्टिकुलर काल में आ जाऊंगा। ये तो काल की सब बड़ी काल बड़ा भयंकर है भयंकर है, लेकिन देखो कृष्ण जन्म में काल की प्रतीक्षा करते कि नहीं हम, इसलिए भगवान के आविर्भाव का कालः परम शोभनः ऐसा भागवत में कहा, कालः परम शोभनः। वो देश धन्य होता है, माता पिता धन्य होते हैं, वो काल भी धन्य होता है। तो आपके घर कोई प्रिय और आदरणीय व्यक्ति आने वाले तो आप कितनी उनकी तैयारी करते हो, स्वागत की करते हो कि नहीं, बोले हाँ। तो ऐसा होता है। तो भगवान आज आपके आने की सबको थी प्रतीक्षा, आ गए आपके आने की सबको थी प्रतीक्षा, आ गए प्रभु जी हमारे आ गए, आ गए प्रभु जी हमारे आ गए, आपके आने की सब प्रतीक्षा, आ गए आप गए आने की सब प्रतीक्षा। भगवान आते तो हम इतनी तैयारी करते हैं स्वागत की, तो भगवान के आने की भी तैयारी, सब पूरी सृष्टि उनकी स्वागत की तैयारी कर रही थी। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन तो श्रीमद् भागवत में आपको मिलेगा दशम स्कंद में। मैं तो थोड़ा सा ही यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसमें प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। कृष्ण जन्म काल अति शोभन प्रसन्न है, कृष्ण जन्म काल अति शोभन प्रसन्न है, शांत सभी तारे ग्रह निर्मल गगन में है, शांत सभी तारे ग्रह निर्मल गगन में है, कृष्ण जन्म काल शोभन प्रसन्न है, कृष्ण परशहि सुर सकल सुमन सागर सम घन गर्जन, प्रगटे प्रभु मध्य रात, प्रगटे प्रभु मध्य रात, देवकी का भाग्य है, देवकी का भाग्य है, कृष्ण काल शोभन प्रसन्न है, कृष्ण जन्म काल अति शोभन प्रसन्न है। दिशा इज ऑल द डायरेक्शंस हैप्पी,
all these, the stars, and they all are there on the ascending state. Devaki ka bhagya madhyarat, Bhagwan manifested madhyarat. Achcha. Why did he manifest madhyarat? Again, you are asking question? I told you. Who are you to ask question? No. Rama avatar, daytime he came. So night time was very envious. Aur din mein 12 baje aa gaye, what about me? Bahut acha hai. Bhagwan samoham sarva bhuteshu. Bhagwan samay. Acha din aur raat mein aa jayenge. Dayalu hai na? Din mein 12 aur raat ko 12 baje. और शुक्ल पक्ष में आए तो कृष्ण पक्ष में आ गए. हाँ, और जब आए तो अष्टमी का चंद्रमा भी पूर्णिमा समान है. वो अष्टमी का चंद्रमा था, वो भी ऐसा दिख रहा था जैसे पूर्ण पूर्णम का चांद हो. हम फूल का कुप्पा हो जाते कि नहीं, दुबला पतला भी फूल भूल जाता है. और जेल में, अरे क्या बात है बताओ, जेल में भगवान आ गए. क्यों? क्योंकि हम लोग जेल में है छुड़ाने के लिए, सब जेल में फंसे हुए हैं. तो देखो भगवान कैसे हैं. और जब प्रकट हुए तो तमद्भुतम बालक मुझे क्षणम, ऐसा वर्णन किया, अद्भुत बालक. अद्भुत बालक क्या होता है? अरे कोई बच्चा पैदा हो, शंख चक्र कदा पद्म, कैसा बच्चा हुए, विष्णु रूप में प्रकट हो गए वहां पे. तम अद्भुतम बालकम, ये कैसा बालक है? वो देख के वसुदेव जी विस्मित हो गए. कैसे हुए देखो. कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, पीत वसन सोहे तल पीत, वसन सोहे तल पीत, वसन सोहे तल पीत, सोहे तल बालक अद्भुत कृष्ण, बालक अद्भुत कृष्ण, विस्मित वसुदेव मन, विस्मित वसुदेव मन, कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, आयुध निज चारि भुज, आयुध निज चारि भुज, कौस्तुभमणि कंठ राज, कौस्तुभमणि कंठ राज, मुकुट शिर कुंडल पान, मुकुट शिर कुंडल पान, देखी पिता बिसरे भान, देखी पिता बिसरे भान, कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, पीत वसन सोहे तन बालक अद्भुत कृष्ण, विस्मित वसुदेव मन, विस्मित वसुदेव मन. श्री बाल कृष्ण लाल की जय. ऐसे भगवान बाल रूप में आए, लेकिन विष्णु रूप में है,
बालक अद्भुत। तो वसुदेव जी स्तुति करते हैं, फिर देवकी जी भी स्तुति करती है। भगवान सामने है लेकिन देवकी को डर लग रहा है कि कहीं कौन सा के कुछ मार नहीं दे। अरे पूरी सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले भगवान, लेकिन मैं माँ हूं ना। सारी माताएं आकर हमको यही बोल रहे हैं, स्वामी जी गुरु जी ये मेरा बेटा है ना बेटी है ना, उसका ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल रखेंगे, रखोगे ना? अरे हम बोल तो दिया, क्यों बार बार पूछे? मैं माँ हूं ना। अब बेचारे क्या करे, माँ है। भगवान ने फिर छोटा रूप ले लिया और अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गोकुल में जा रहे हो क्या? गोकुल में जा रहे हैं। ये देखो गोकुल की बात में, गोकुल ने हम तो जागरूक फिगले एरिया समझते हैं ना गोकुल। या भगवान कैसे हैं? गो माने इंद्रियों, इंद्रिय समूह के परे हैं। इज बियॉन्ड ऑल द होस्ट ऑफ ऑल द सेंसेस। बट यहां गोकुल में आ गए, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया अंतकरण चतुष्टय, हाँ वेदांत तो पढ़ने वाले भी ये सब लोग यहाँ को, हाँ तो उस पूरे संघात में वहां पर वो भगवान आ गए। तो सबको विश्वास था कि आएंगे, वो क्यों आएंगे? केवल एक की प्रार्थना नहीं की, सबने प्रार्थना की, हाँ तो फिर सबको मालूम था कि भगवान को तो अब आना पड़ेगा। श्याम सुंदर को तो आना ही होगा, श्याम सुंदर श्याम सुंदर को तो आना ही होगा, श्याम सुंदर भक्तों को दर्शन देना ही होगा, आज नहीं तो कल आना ही होगा, श्याम सुंदर को तो आना ही होगा। आ गया ना ये सारे भक्त लोग कहाँ कहाँ है वो भी मजेदार बात है। ग्राम में हो या नगर में कोई वन उपवन नदी तट पर योगी वन गिरिकंदरा में बैठा जोगी गिरिकंदरा सबसे ही मिलने तो आना ही होगा, सबसे ही मिलने तो होगा, सबसे ही मिलने तो आना ही होगा। श्याम सुंदर को तो आना ही होगा, भगवान का तू कौन है मेरे को आना ही होगा, आना ही होगा, मुझे नहीं आना है। अरे तुम अपना अपना कर्म करो, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, बाकी फल वगैरह में कुछ नहीं है, भगवान हो तो ठीक है। कर्म में है अधिकार तुम्हारा, कर्म में है अधिकार तुम्हारा, कहकर हमें दिया संसारा, कहकर हमें दिया संसारा,
कहकर हमें दिया संसार, सारी साधना हम ही करे तू, सारी साधना हम ही करे तू, सारी आपको भी तो कुछ करना ही होगा, आपको कुछ करना ही होगा, श्याम सुंदर को तो भक्तों को दर्शन, भक्तों को दर्शन सबसे ही मिलने तो, सबसे ही मिलने तो आज नहीं तो कल, आज ही तो आना ही होगा, आज नॉट कल वल। श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसे भगवान है कि जब सबने प्रार्थना की, अकेले ने भी प्रार्थना की, हाँ तो भगवान बड़े दयालु है। अकेले के लिए भी आ सकते हैं, दुखेले के भी आ सकते हैं, हाँ एंड टोटैलिटी इज ऑल्सो प्रेइंग, देन ऑल्सो भगवान कम्स एंड ऑल दैट। राम भगत हित नरतन धारी, भगवान तो सबके हित, हित माने वेलफेयर वेल बीइंग एंड हित माने प्यार, सबके प्यार के कारण और कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हाँ ऐसे अवतार लेकर क्या क्या विचित्र लीलाएं करते हैं, उनकी लीलाओं को हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो जब ऐसे भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, फिर गोकुल में आ गए, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ, यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया था, देखो इतनी नींद में उनको पता ही नहीं चला लड़की हुई कि लड़का हुआ है, जाकर चुपचाप ढाल, पूरी कथा तो पता नहीं है, लेकिन जब नंद बाबा के तो क्या, आज नंद के द्वारे भी, 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 एक आवत एक जात विदा हुई, 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 एक ठाणे मंदिर के तीर, एक ठाणे मंदिर के कठाने मंदिर के तीर, एक ठाणे मंदिर के तीर, आज नंद के द्वारे वीर, 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 द्वारे वीर, द्वारे वीर, द्वारे वीर। कैसी भीड़ लगी हो गई, देख क्राउड क्राउड अनमैनेजेबल, वन वॉज कमिंग, वन वॉज गोइंग, वन वॉज कमिंग, आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग, एंड एवरी वन वॉज कमिंग देयर नॉट एम्प्टी हैंडेड, सो थॉट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग एंड नंद देर गे रिटर्न गिफ्ट, तो ऐसा गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग, वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन इज देयर ऑफ सूरदास जी, हैव रिटन
very beautiful song on that. How they were bringing, then what Nandeshwara they were giving. All joy, 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 joy. Nanda ju mere man anand bhayo. 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 मैं गोवर्धन से आयो, मैं गोवर्धन से आयो, मैं गोवर्धन से आयो, मैं गोवर्धन से आयो, नंद जू मेरे मन आनंद भयो. एक भक्त था, he was living on the open Govardhan, and he heard the news, so he ran from there and said, Nandaju mere man anand bhayo. My heart was so delighted, I ran from there. Very clever devotee. He said, Nanda Baba, I know you are very udar, very generous, large-hearted person. Now how can he deny? So pehle to pakad liya ki yaar tum to param udar nandaju, jo hi mangyo so hi. Oh, anyone ask anything you give. Ha bhai, he was so happy that day. Ha, what do you want? What I want? I want to stay here only. है? अरे दूसरे तो आ रहे हैं, जा रहे हैं यार, तू यही बैठेगा? हाँ. ओके, हाउ लॉन्ग? दैट डिवोटी इज नेम वाज सूरदास मदन मोहन. दिस सूरदास है, सूरदास मदन मोहन, दे आर डिफरेंट है. सूरदास मदन मोहन, I will be staying here till that Krishna grows and I start talking, and when he calls my name, till then I will be here. Oh, Surdas, तो लंबा नाम है भाई, Surdas Madan Mohan. Nandaju, मेरे मन आनंद भयो. कैसा आनंद है, आनंद है. हाँ, आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ. ऐसे ही हो भगवान. तो भगवान, अच्छा तो क्या क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें, बहुत सी लीलाएं भगवान ने की हैं, लेकिन इन वन सॉन्ग आई ट्राई टू टेल यू वैरायटी ऑफ लीलाज. ठीक है, हाँ, तो एक एक के लिए बताना है बहुत. आज खेले शाम, आज खेले शाम संग ग्वाल बाल, ब्रिज में मचाई धूम रे. आज खेले शाम संग ग्वाल बाल, ब्रिज में मचाई धूम रे. आज खेले शाम संग ग्वाल बाल, ब्रिज में मचाई धूम रे. आज खेले शाम संग ग्वाल बाल, ब्रिज में मचाई. हर नारी निरखी अति हर के, हर नारी निरखी अति हर के, नर नारी निरखी अति हर के, नाचे झूम झूम सब नाचे झूम झूम सब नाचे झूम झूम सब नाचे. आज खेले शाम संग ग्वाल बाल, ब्रिज में मचाए धूम रे. आज खेले शाम संग ग्वाल बाल, ब्रिज में मचाए धूम रे.
सखा दाऊ संग धेनु चराए बाल बाल संग माखन खाए कालिया पर नृत्य दिखाए कालिया पर नृत्य दिखाए उंगली पर ये गिरी उठाए उंगली पर ये गिरी उठाए जमुना तट पर बंसी बजाए जमुना तट पर बंसी बजाए जमुना तट पर बंसी बजाए गोपी संग ये रास रचाए गोपी संग ये रास रचाए खेल खेल में मन को चुराए हव बंधन से मुक्त कराए कोई डिवोटी इतना कहने के बाद समझ में नहीं आया उसको कि कौन है बोलो कौन ये कौन बताए बोलो कौन कौन बताए अरे बाबा अभी तक ये समझ में नहीं आया नंद यशोदा के दुलारे नंद यशोदा के दुलारे नंद यशोदा के दुलारे राधा जी के प्राण प्यारे राधा जी के प्राण प्यारे पहले क्यों नहीं बताया अरे अरे ये तो कृष्ण कन्हैया सबके प्यारे ये तो कृष्ण कन्हैया हमारे प्यारे तो कृष्ण कन्हैया मेरे प्यारे मेरे प्यारे आज के रामचंद्र भगवान की राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की आज के कृष्ण जन्म उत्सव आनंद की जय।